सांसों की, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा। हेलो दोस्तों, आप सभी का आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको लाइट मोशन से एटीट्यूड सारी वीडियो रीड कर सिखाने वाला हूं। उससे पहले कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए चलते हैं सीधे मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले इस वीडियो को एडिट करने के लिए हमें दो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने होंगे, एक पिक्सलैब एंड सेकंड लाइट मोशन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम पिक्सलैब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं एंड दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले कि हमें पिक्सलैब एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो ये मेरा पिक्सलैब एप्लीकेशन हो गया। देन यहाँ पे हम इस डिलीट वाले सेक्शन पे टैप करेंगे एंड प्लस ऊपर में जो प्लस का सेक्शन है आपको प्लस के सेक्शन पे टैप करके टेस्ट पे जाना है एंड यहाँ पे न्यू टेस्ट को हम कट करेंगे एंड हमने जो शायरी को कॉपी करा था इसलिए हम उसे पेस्ट कर देंगे। ओके वाले सेक्शन पे टैप कीजिए एंड इसे हम इस तरीके से कर लेंगे। अब साइज को हल्का सा आपको डिक्रीज कर लेना है। ओके डन है, तो यहाँ पे कीजिए है, इसे हम कुछ ऐसे कर लेते हैं तो काफ़ी बेहतर लगेगा। ओके तो ये हो चुका है। अब आपको इस वाले सेक्शन पे टैप करना, जो ए लिखा हुआ है आपको इस वाले सेक्शन पे टैप करके आपको राइट साइड स्क्रॉल करते हुए जाना है। तो यहाँ पे एक आपको फॉन्ट का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको फॉन्ट वाले सेक्शन पे टैप करना है, माय फॉन्ट पे टैप करना है एंड देन यहाँ से आपको बहुत सारे फॉन्ट हिंदी फॉन्ट आपके पास भी होंगे तो आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वरना आप इस वाले फॉन्ट को नहीं, यात्रा मानव ब्लैक इस वाले फॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम इसे नहीं इसे यूज मिलाएंगे, यात्रा में मानव बोल्ड या फिर मीडियम कोई एक, तो आप देख लेना, मैं कोई एक यूज कर लेता हूँ। आपको मैं लिंक दे दूंगा, आपको तीनों को डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद आप यूज कर सकते हो। तो कलर वाले सेक्शन पे आपको जाना है एंड यहाँ पे आपको कौन सा कलर आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके देन ओके वाले सेक्शन पर टैप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको ये जो नीचे वाला जो आपका जो शायरी है इसे आपको बीच में लाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले राइट साइड ऐसे स्क्रॉल करते हुए जाना है। यहाँ पे एक आपको एलाइन का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ये देखिए, आपको इस पर टैप करके आपको बीच वाले सेक्शन पर आपको टैप कर लेना है। तो ये देखिए आपका बीच में आ चुका है। ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब करना क्या, नीचे में कुछ इमोजी वगैरह आपको ऐड कर लेते हैं। तो इमोजी वगैरह ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि दो तीन लाइक ऐसे करके कुछ जो जो इमोजी आपको अच्छा लगे आप उस इमोजी को ऐड कर सकते हो, तो ऐसे करके हम ऐड कर सकते हैं। जन ओके पे क्लिक कीजिए, साइज को हल्का सा डिक्रीज कीजिए। आप चाहो तो आप इसे ऊपर में भी कर सकते हो या फिर नीचे में, आप चाहो तो इसे यहाँ पे भी रख सकते हो या फिर यहाँ पे भी रख सकते हो। तो अभी हम नीचे में रखेंगे इसे एंड देन आपको फॉन्ट वाले सेक्शन पे टैप करके माय फॉन्ट पे जाना है, iOS 14 फॉन्ट आपको यूज करना है। ओके पे क्लिक कीजिए एंड ये हो चुका है। आपको इस वाले सेक्शन पर टैप करना है, एक ट्रांसपेरेंट के सेक्शन पर टैप करके एक्सपोर्ट पर टैप कीजिए, सेव एज इमेज आपको अल्ट्रा पर टैप करके सेव टू गैलरी। ओके डन है, तो यहाँ से आपका पिक्सलैब का पूरा काम हो चुका है। अब आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन लेना है। ओपन करने से पहले आपको XML फाइल दिया जाएगा, उस XML फाइल को आपको इंपोर्ट करना है, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको XML फाइल। तो आपको उस XML फाइल को यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि आपको यहाँ पे मतलब शेयर करना है एंड शेयर करके आपको यहाँ पे अलर्ट मोशन में लेकर आ जाना है। कुछ इस तरीके का मेरा XML फाइल होगा। अब आपको इस XML फाइल को ओपन करना है, लेकिन उससे पहले कि हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उससे पहले 1080 का रिजोल्यूशन प्लस के आइकन पे टाइप कीजिए, मीडिया पे टाइप कीजिए। अब आपको जो भी इमेज आपके पास इमेज वगैरह हैं तो सही है, नहीं तो फिर आपको यहाँ टेस्ट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले की इमेज को ऐड कर लेते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए हमें करना क्या होगा, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और भाई ये रहा मेरा इमेज। ये ओके पे क्लिक करके इसे हम ऐसा कर देंगे, पूरे एरिया में हम इसे फिल कंपोजिशन एरिया कर देंगे। अब यहाँ पे अगर ये इमेज सही नहीं है, इमेज तो सही है यार, इमेज में क्या ही दिक्कत है, इसे हम जूम कर बीच में ऐसे ले आते हैं, इसे और भी जूम कर इसे और भी जूम करते हुए क्या करते हैं, हाँ जूम करते हुए ऐसा करके बीच में लेकर आना है, बिकॉज हमें चारों तरफ से ब्लैक ब्लैक देना है। तो इसे इमेज जो है बीच में आना चाहिए, आपका जो कैरेक्टर है आपको उसे बीच में आना चाहिए। ओके तो ये आपका बीच में कैरेक्टर आ चुका है। प्लस वाले आइकन पे टैप कीजिए, एक आपको रेक्टेंगल का शेप लेना है, इसे हम क्या करेंगे कि ऐसा करके अपने हाथों की मदद से ऐसे नीचे खींचेंगे और राइट साइड ऐसे खींचेंगे, तो ये हो जाएगा। आप कलर एंड फिल वाले सेक्शन पर टैप करो, देन आपको इस वाले सेक्शन पर टैप करना है। आपको इस पर टैप करके आपको बीच वाले जो सेक्शन है यहाँ पे आपको इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी आपका ब्लैक है, आपको यहाँ पे भी ब्लैक करना है, इस वाले बॉक्स को भी आपको ब्लैक करना है। तो ब्लैक करोगे तो पूरा पूरा ऐसे ब्लैक हो जाएगा। आपको ये जो डंडा, इस डंडे को आपको बीच में ऐसा कर लेके आना है एंड यहाँ जो आपका ब्लैक है, इस ब्लैक को आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट करना है। इस वाले सेक्शन पर टैप करके आप इसे ट्रांसपेरेंट कर लो, तो कुछ ऐसा बनकर रेडी हो जाएगा। ओके तो ये हो चुका है कंप्लीट। अब जो ये मेरा इमेज है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसे हम ऐसा कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका विग्नेट हो जाएगा। और भी थोड़ा सा आप मतलब चेंजिंग वगैरह करना चाहते हो तो ऐसा करके अप एंड डाउन ऐसे लंबा चौड़ा जो भी आप करना चाहते हो आप इसे कर लेना। ओके एंड देन प्लस वाले सेक्शन पर टैप कीजिए, मीडिया पर टैप कीजिए एंड जो इमेज आपने अपने पिक्सल में जो शायरी बनाया था आपको उसे ऐड कर लेना है एंड इसे हम नीचे में यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर
ऐसा करके ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी हम इसे ऐड कर सकते हैं। ओके तो सही है, अभी से हम पूरा में तो कंप्लीट है ही। अब जो ये शायरी है, आपको शायरी में कुछ एक आपको एक इफेक्ट लगाना है, आपको इस पे टैप कीजिए, लेयर पे टैप कीजिए, इफेक्ट पे टैप कीजिए, ऐड इफेक्ट पे टैप करके आपको लिखना है डायरेक्शनल ब्लर, DIRECT डायरेक्शनल ब्लर, इस पे टैप करो ब्लर। हाँ, स्टार्टिंग सेटिंग पे जाना, आपको एक स्टार्टिंग पोर्शन पे की फ्रेम देना है, ये जो की फ्रेम है आपको एक स्टार्टिंग पोर्शन पे एक आपको हल्का सा आगे बढ़ते हुए मतलब कि 1.20 या 25 या 30 सेकंड तक, नहीं 2 सेकंड पे आप दे दो, पूरे पूरे 2 सेकंड पे एक आपको की फ्रेम देना है, एक आपको 0 सेकंड पे, एक आपको 2 सेकंड पे। एंड जो 0 सेकंड वाला की फ्रेम है आपको इसे करना है क्या, मतलब 8 करना है, एंड इसे आपको 0 करना है, इसे आपको 8 करना है एंड इसे आपको 0 करना है। तो ये कुछ ऐसा लगेगा आपको, ये कुछ इस तरीके का मतलब देखने में लगेगा कुछ ऐसा, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो 2 सेकंड नहीं और भी पहले कर सकते हो, 1 पॉइंट कुछ सेकंड पे भी कर सकते हो, ऐसे करके यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर आपको जल्दी चाहिए तो ये आपका जल्दी ब्लर से आपका सिंपल हो जाए, तो इसके लिए आप थोड़ा सा सेकंड को अप एंड डाउन भी कर सकते हो, आगे पीछे वगैरह कर सकते हो। अब तो ये तो मेरा हो चुका है, पूरा इमेज मेरा बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वायरल एटीट्यूड वीडियो एक्सेल फाइल है, आपको जो ये लेयर है, लेयर को इस पर टैप करके आपको कॉपी लेयर करना है, कॉपी लेयर कर लेने के बाद आपको ओपन करना है आपका प्रोजेक्ट, एंड इस वाले सेक्शन पर टैप करके आपको पेस्ट क्लियर कर लेना है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपका थोड़ा बहुत क्या कहते हैं ग्लिच वगैरह इफेक्ट लगकर तैयार हो चुका है। अब जहां तक इसका क्या कहते हैं ड्यूरेशन है वहां तक रखना है, बाकी आपको इस पे टैप करके, इस वाले सेक्शन पे टैप करके आपको ट्रिम कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। सॉन्ग वगैरह ऐड करने के लिए आप यहां से आप अपने इंस्टाग्राम से कुछ ट्रेंडिंग सॉन्ग वगैरह आप यूज़ कर लेना, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लो, बाकी सॉन्ग यहाँ से मत लगाओ, आप अपने इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग है आप उस ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूज कर लो, ताकि आपका वीडियोस आपके जो वीडियोस हो वायरल होने का चांस उसका बढ़ जाए। ओके तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बस मिलते हैं कल के किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।